आज माँ दुर्गा का विसर्जन पूरे ही देश में बड़े ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। हालांकि राजधानी दिल्ली में यमुना में विसर्जन पर प्रतिबंध है और यही वजह है कि कृत्रिम घाटों को जगह जगह बनाया गया है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये गीता कॉलोनी स्थित जो कृत्रिम घाट बनाया गया है वहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को इस कृत्रिम घाट में कहा जा रहा है विसर्जन किया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर विसर्जन के लिए पहुँच रहे हैं। बड़े ही धूमधाम के साथ ये विसर्जन किया जा रहा है। हालांकि आस्था को किसी की ठेस ना पहुंचे यही वजह है कि इन कृत्रिम घाटों की व्यवस्थाएं की गई हैं और जगह जगह ऐसे घाट बनाए गए हैं ताकि माँ दुर्गा का विसर्जन किया जा सके। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, सभी में आस्था है और सभी ही ढोल लगाड़ों के साथ माँ दुर्गा को विसर्जन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग भी हैं और उनसे ही बात करते हैं क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए जहाँ तमाम लोग पहुंचे हैं। इसके साथ ही लगातार यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्तियां इस तरीके से पहुंच रही हैं, विसर्जन किया जा रहा है। हालांकि इस बार यमुना के घाटों पर विसर्जन नहीं हो पा रहा है, यही वजह है कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। उन कृत्रिम घाटों पर बड़ी संख्या में विसर्जन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, विसर्जन करने ही लोग आए हैं। उनसे ही बात करते हैं, कहां से आए थे, कितने दिनों से माँ दुर्गा की ये मूर्ति अपने घर में स्थापित की हुई थी, मंदिर में स्थापित की हुई थी। जी, हम लोग लक्ष्मी नगर से आए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 दिन से माता जी की पूजा होती है हमारे यहाँ पे बड़े धूमधाम से। लक्ष्मी नगर से नहीं, पूरी दिल्ली से, मैं बोलूंगा दिल्ली से नहीं, दिल्ली के बाहर से भी लोग आते हैं माता की पूजा करने, माता की मूर्ति देखने। और अच्छे से हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों के, ड्राइंग के, डांस के, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हम बहुत एंजॉय करते हैं। व्यवस्थाएं कैसी देख रहे हैं सरकार की, क्योंकि कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, पॉल्यूशन के मद्देनजर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, मैं बोलूंगा कि ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक प्रयास है कि पॉल्यूशन को बचाने के लिए, पॉल्यूशन को सुरक्षित रखने के लिए जो अलग से घाट बनाए गए हैं जिससे जो हमारी यमुना जी हैं वो पॉल्यूट ना हो। बिल्कुल एक अच्छी व्यवस्था, लोग भी मानते हैं कि इसमें आस्था को भी ध्यान में रखा गया है और कृत्रिम घाटों में लोग उसी तरीके से विसर्जन कर रहे हैं जिस तरीके से यमुना के घाटों पर विसर्जन किया जाता था। तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहां से आई थी मैम? हमें जयदेव कालीबाड़ी। कैसी व्यवस्था देख रहे हैं क्योंकि विसर्जन हो रहा है माता रानी का, कितने दिन से माता रानी को स्थापित किया हुआ था? 5 दिन। कैसा रहा अब विसर्जन करने के लिए आए हैं, दोबारा से माता रानी से क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं सब सुख समृद्धि से सब रहे, चारी तरफ सब सही रहे, अगले साल फिर माता रानी खुशी खुशी हमारे बीच में आए। तो बिल्कुल सभी लोग यही प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि माता रानी फिर से दोबारा से खुशी खुशी उनके घर विराजे। एक बार मैं पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँ, तब तमाम व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की ओर से की गई है, जिले के SDM खुद यहाँ पर मौके पर है, इसके साथ ही सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है और ये व्यवस्थाएं इसलिए भी की गई है यहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो और लोग बड़े ही आस्था के साथ यहाँ पर विसर्जन कर सके। और भी लोग हैं उनसे ही बात करते हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं देख रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं कृत्रिम घाट को लेकर ये की गई हैं, क्या मानते हैं इस बार? हालांकि रोक है यमुना में विसर्जन पर, लेकिन देखा गया कि पॉल्यूशन के मद्देनजर ये कदम भी जरूरी था। नहीं, बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का, ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो भी कृत्रिम घाट बनाए गए हैं वह माँ का विसर्जन करें। और आप देख पा रहे हैं कि बड़े अच्छे ही ढंग से माँ का हम लोग विसर्जन किया और बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा का विसर्जन जो है संपन्न हुआ। कैसी धूम रही इस 5 दिनों के दौरान? 5 दिनों में बहुत ही अच्छी धूम रही क्योंकि 2 साल के बाद ये मौका मिला था पूजा करने का, तो सभी श्रद्धालुओं में बहुत अच्छी उत्साह था। और यमुना पार का जो सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है काली मंदिर, वहाँ से हम सब लोग यहाँ पर आए और माँ की 5 दिन पूरा पूजा अर्चना करी और आज यहाँ पर माँ का विसर्जन किया। तो बिल्कुल 5 दिनों इस देखा जाता है बड़े ही धूमधाम के साथ लोग घरों में पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, उसके बाद आज विसर्जन पूरे ही दिल्ली में और पूरे देश में कहा जा रहा है तमाम इन कृत्रिम घाटों पर किया जा रहा है। हमसे सुरवीर के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।